हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो आयरस स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और ये इस वीडियो के अंदर इसके लिए जहाँ पे बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग पता होगा कि कल BGMI के अंदर न्यू रॉयल पास आने वाला है, तो उसके अंदर में गए जहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा वाउचर रहेगा जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, और साथ में चैनल में पहली बार आओ जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो गए जहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग पता कि अभी फिलहाल के लिए एक्सूट का इवेंट चल रहा है, तो इसी को लेकर गए जहां पे देख सकते हो मेरे एक सब्सक्राइबर के साइड से ये स्क्रीनशॉट यहां पे सेंड किया गया। और इसमें गए जहां पे ऊपर में देख सकते हो गए जहां पे फोर्थ नंबर में आप लोग दिख रहा होगा कि इनको गए जहां पे एक बार फिर से एक्सूट यहां पे मिला था, इनकी दोबारा एक्सूट मिला, लेकिन इसके बदले में गए जहां पे देख सकते हो जो कॉइन यहां पे कन्वर्ट हुआ ये गए जहां पे 160 यहां पे कॉइंस में कन्वर्ट हुआ। तो इसी को लेकर गए जहां पे मैं डाउट क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में गए जहां पे 1000 के बदले में 160 गए जहां पे कॉइंस इनको क्यों मिला। तो बेसिकली गए जहां पे देख सकते हो रूल्स के अंदर जैसे आप लोग जाइएगा तो यहां पे देख सकते हो गाइस आप लोगों को रूल नंबर 2 और साथ में 3 को यहां पे आप लोग पढ़ना है, तो यहां से आप लोग क्लियर हो जाएगा। जहां पे बेसिकली गाइस यही बोला गया कि अगर मान लीजिए गाइस कि जो 300 एनर्जी यहां पे आप लोग का कंप्लीट होता है उसमें एक आप लोग को मान लीजिए कि एक्सूट मिल गया, और उसके बाद में दोबारा मान लीजिए गाइस जहां पे स्पिन करते हो तो उससे एक्सूट मिलता है, तो फर्स्ट टाइम में तो आप लोग को 1000 यहां पे टोकन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग को थर्ड टाइम गए जहां पे वापस एक्सूट मिल जाता है, तो उस कंडीशन में यहां पे क्या होगा कि जो आप लोग यहां पे एक्सूट का कॉइन है वो 1000 के बदले में 160 यहां पे कॉइंस मिलेगा। और इसी टाइप से अगर मान लीजिए गाइस कि आप लोग को यहां पे डायरेक्ट पहले ही यहां पे चांस में क्या होगा कि आप लोग को स्पिन के थ्रू यहां पे एक एक्सूट मिल गया, और दूसरा मान लीजिए कि एनर्जी के थ्रू अगर आप लोग यहां पे एक्सूट लेते हो तो वहां से भी गाइस आप लोग को 1000 यहां पे टोकन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही थर्ड टाइम अगर आप लोग को एक्सूट मिलता है तो यहां पे देख सकते हो गाइस क्लियरली लिखा हुआ है कि 160 आप लोग को यहां पे टोकन मिलेगा, यानी कि कैसे भी करके अगर आप लोग को थर्ड टाइम गए जहां पे एक्सूट मिलता है तो 1000 के बदले में 160 आप लोग को टोकन मिलेगा। और ये चीज मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि गाइस यहां पे काफी सारे लोग एक्सूट का ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है गाइस कि आप लोग को 3 बार यहां पे एक्सूट मिल जाए, तो ये डाउट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। बाकी अगर अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आप लोग का कल रॉयल पास आने वाला है इसके अंदर में सबसे बेस्ट वाउचर कौन सा रहेगा जो कि आप लोग यहाँ पे रॉयल पास के अंदर यूज कर सकते हो और इससे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सिंपली आप लोग का आ चुका हूँ मैं रॉयल पास के अंदर, और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि फिलहाल के लिए गए जहाँ पे ये 360 UC वाला रॉयल पास है। तो इसी को लेकर पूरा डिटेल में एक एक करके बात करें कि क्या 30 UC का वाउचर या फिर 60 UC का वाउचर या फिर 90 UC का वाउचर कौन सा आप लोग मिलेगा और कौन सा यहां पे बेस्ट आप लोग ज्यादा ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइस यहां पे बता दूं कि आप लोग को गाइस यहां पे क्या हुआ कि एक इवेंट यहां पे चल रहा है BGMI के अंदर, जहां से देख सकते हो गाइस ये 30 UC का वाउचर मिलेगा जो कि गाइस यहां पे बता दूं कि सभी लोगों को मिलने वाला है, यानी कि भले आप लोग गाइस यहां पे 8 दिन तक अपना ID को ऑफलाइन रखिए या फिर नहीं रखिए, या फिर गाइस भले आप लोग यूसी वगैरह परचेज करते हो या फिर नहीं करते हो, ये 30 UC का वाउचर कंफर्म है कि सभी लोगों को मिलेगा, यानी मिनिमम 30 UC का तो डिस्काउंट यहां पे सभी लोगों को मिल जाएगा। बाकी दूसरा गाइस यहां पे देख सकते हो अगर आप लोग गेम के अंदर में 60 UC परचेज किए होंगे तो अभी गाइस यहां पे देख सकते हो आप लोगों को क्या हुआ कि ये परचेज बोनस का इवेंट यहां पे चल रहा है, और इसमें गाइस यहां पे क्या होता है कि ये 60 UC का वाउचर मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आप लोग यहां पे 8 दिन तक अपना गेम को यहां पे ऑफलाइन नहीं भी रखते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने गेम के अंदर अभी हाल फिलहाल में 60 UC परचेज किया होगा तो आप लोग को गाइस यहां पे 60 UC का वाउचर मिलेगा। और इसका गाइस यहां पे खासियत कि ये जो आप लोगों का वाउचर ये आप लोगों का कोई भी रॉयल पास के अंदर यूज हो जाएगा, तो इस कारण से आप लोग चाहो तो इसको यहां पे A6 का जो रॉयल पास है इसके अंदर यहां पे यूज कर सकते हो। और इन केस अगर मान लीजिए आप लोग इसको यहां पे यूज नहीं कर पाते हो तो जैसे गए जहां पे 30 दिन के बाद आप लोग का एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद में गए जहां पे ये जो वाउचर रहेगा ये बता दूं कि ऑटोमेटिकली गए जहां पे जो 40 UC का जो आप लोग का वाउचर का जो डिस्काउंट रहता है उसमें यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इससे क्या होगा कि बाद में जो अदर गए जहां पे आप लोग का इवेंट वगैरह आते रहता है वहां पे आप लोग को 40 UC का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दो तरीका हो गया। और तीसरा गाइस यहां पे तरीका आप लोग का ये कि अगर मान लीजिए आप लोग यहां पे जो 8 दिन तक अपना आईडी को ऑफलाइन रखते हो तो जैसे गाइस यहां पे ऑफलाइन अगर आप लोग 8 दिन तक रखिएगा तो उसके बाद में आप लोग ये वेलकम बैक का यहां पे इवेंट यहां पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि गाइस बता दूं कि BGMI के अंदर फिलहाल के लिए जो वेलकम बैक का इवेंट ये ग्लिच है, तो इस कारण से किसी किसी को गाइस यहां पे न्यू वाला यहां पे वेलकम बैक दिखता है और किसी किसी को गाइस यहां पे जो ओल्ड वाला रहता है वही देखने को मिल रहा है, और किन्हीं किन्हीं को गाइस यहां पे बता दूं
कि जो आप लोग का 90 यूसी का एक वाउचर एक्सक्लूसिव है वो मिल रहा है, और किन्हीं किन्हीं को है जहाँ पे 90 यूसी का तो वाउचर छोड़ दीजिए, किन्हीं किन्हीं को 60 यूसी का भी गए जहाँ पे जो 60 मतलब जो वाउचर रहता है वो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही 8 दिन तक अगर आप लोग अपने आईडी को ऑफलाइन रखते हो तो ये 60 यूसी का वाउचर कन्फर्म है कि आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और इन केस अगर आप लोग को ये 60 यूसी का वाउचर मिल जाता है तो सबसे पहले तो गाइज मैं यही बोलूंगा कि ये 60 यूसी का जो वाउचर है इसी को आप लोग यहाँ पे यूज कीजिएगा, क्योंकि ये गाइज यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग का बस रॉयल पास के अंदर ही यूज होगा, और वो भी ए सीरीज का रॉयल पास के अंदर यूज होगा। और बाकी अगर मान लीजिए आप लोग का बीजीएमआई का आईडी का लेवल 35 लेवल से 70 लेवल के बीच में होगा तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो ये 90 यूसी का एक एक्सक्लूसिव गाइज यहाँ पे आरपी वाउचर है जो कि मिल जाएगा। और अगर आप लोग को ये 90 यूसी का वाउचर मिलता तो डेफिनेटली गाइज मैं बोलूंगा कि इसी को आप लोग यूज कीजिएगा, जिससे गाइज यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट अगर मान लीजिए आप लोग 360 यूसी का रॉयल पास को परचेज करते हो तो वहां पे आप लोग को 90 यूसी का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस टाइप से आप लोग चाहो तो 270 यूसी में जो रॉयल पास है उसको यहाँ पे परचेज कर पाएगा। लेकिन इन केस अगर आप लोग को ये 90 यूसी का वाउचर नहीं मिलता है तो सबसे पहला आप लोग काम यहाँ पे क्या करना है कि जो इन गेम मेल के अंदर 60 यूसी का वाउचर रहेगा उसी को आप लोग यूज कीजिएगा। और मान लीजिए अगर आप लोग 8 दिन तक अपना आईडी को ऑफलाइन नहीं रखे होंगे तो तीसरा आप लोग पास ऑप्शन ये है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि जो परचेज बोनस का रिवार्ड अगर आप लोगों ने 60 यूसी परचेज किया होगा तो वो आप लोग यूज कीजिएगा। और मान लीजिए 3 में से कोई भी वाउचर आप लोग पास नहीं होगा तो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन तो आप लोग के लिए कंफर्म है कि जो 30 यूसी का वाउचर है उसको आप लोग को यहाँ पे यूज कर लेना है। और इससे क्या होगा कि मिनिमम सभी लोगों को 30 यूसी का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और देख सकते हो गाइस मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ भी दिखा दे रहा हूँ कि जो 90 यूसी का वाउचर है वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, और बाकी जो आप लोग का मिनिमम 30 यूसी का वाउचर है ये भी आप लोग का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो मैंने आप लोग यहाँ पे टोटल मिला के 4 तरीका बता दिया जहाँ से आप लोग ये वाउचर यूज होगा और यहाँ पे आप लोग को अलग अलग डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये चीज गाइस आप लोग अपने हिसाब से कल देख लीजिएगा और अपने हिसाब से गाइस यहाँ पे जितना ज्यादा आप लोग को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसी वाउचर का यूज करके अपना यहाँ पे रॉयल पास परचेज कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इसको लेकर जो डाउट था ये मैंने यहाँ पे एक एक करके क्लियर कर दिया। बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।